हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माली सर। पांचवी बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है कोण, जो कि कोण होते तो कई प्रकार के, लेकिन अपन को बेसिकली तीन प्रकार के कोण याद होने चाहिए, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। तो अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे समकोण पर। समकोण का तात्पर्य है कि 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल इस प्रकार का होता है, आपको इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। आपको प्रश्न दे दिया, इस प्रकार की एक इमेज दे दी और पूछ ले कि कौन कौन सा कोण है, तो आपको सीधी सी बात टिक लगाना है समकोण पर। इसके बाद अपन दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे न्यून कोण। न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम वाला कोण। तो मान लीजिए कोण होगा 35 डिग्री का, तो 35 डिग्री का कोण है और इसके भी ऊपर एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि कौन सा एंगल है, मतलब कौन सा कोण है, तो ये कोण होगा न्यून कोण। इसके बाद अधिक कोण के बारे में चर्चा करेंगे। तो अधिक कोण से तात्पर्य कि 90 डिग्री से अधिक। मान लीजिए कोण होगा 100 डिग्री का, तो मतलब 100 डिग्री का ये एंगल होगा, तो इसके ऊपर एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि ये कौन सा कोण है, ये है अधिक कोण। तो ये तीनों कोण आपको याद करने ही है, जिससे कि एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आना तय है। इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। धन्यवाद।